रक्षाबंधन के पावन पर्व पर भाई के घर राखी बांधने पहुंची बहन ने राखी बांधने से पहले भाई को लगवाया कोरोना का टीका। दरअसल सीलमपुर में रहने वाली ज्योति ने बताया कि वह अपने भाई के घर राखी बांधने पहुंची तो उन्हें पता चला कि उनके भाई ने कोरोना की अब तक वैक्सीन की कोई डोज नहीं ली। ये जानकर उसने भाई से कहा कि पहले वह कोरोना की वैक्सीन लगवाए, तभी मैं उसे राखी बांधूंगी। बहन की इस बात को भाई ने मान ली और दोनों शास्त्री पार्क इलाके के वैक्सीनेशन सेंटर पहुंचे, जहां ज्योति के भाई ने पहले कोरोना का टीका लगाया, उसके बाद ज्योति ने भाई की कलाई पर राखी बांधी। ज्योति ने बताया कि रक्षाबंधन के इस पावन पर्व पर हर भाई अपनी बहन की रक्षा करने की प्रतिज्ञा लेता है, लेकिन जब भाई ही सुरक्षित नहीं रहेगा तो वह अपनी बहन की कैसे रक्षा करेगा। ऐसे में उनकी सभी भाइयों से अपील है कि वह कोरोना का टीका लगवाकर खुद भी सुरक्षित रहे और अपने परिवार को भी सुरक्षित रखे। जी मैम, नाम बताइए। मैं ज्योति, सीलमपुर से, और आज रक्षाबंधन का पवित्र त्यौहार है जिस पर मैं राखी बांधने के लिए अपने भाई के यहाँ पर आई थी और मुझे पता लगा कि भाई ने दोनों में से एक भी डोज नहीं लगवाया, वैक्सीनेशन नहीं करवाया है, जबकि मुझे दोनों वैक्सीनेशन लग चुके हैं। भाई से मैंने कहा कि आज जब आप राखी बंधवाओगे तो मुझे गिफ्ट ना देकर आप मुझे वचन दो कि आप वैक्सीनेशन करवाएंगे। पहले मैंने इनको वैक्सीनेशन करवाया, उसके बाद ही इनको राखी बांधी है। अच्छा मैम, आगे जी जी, सीलमपुर क्षेत्र के जो SDM साहब हैं उनसे मैंने बात कर आज वैक्सीनेशन सेंटर पर मैं आकर अपने भाई को राखी बंधवाई है। अच्छा, आगे क्या, और जो लोग हैं जो थोड़ा जिनके मन में डर भी है कि वैक्सीन नहीं लगाएं, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज देना चाहती हूँ कि जो हम लोगों को कोरोना से बचाएगा वो वैक्सीन ही है, तो सब लोग वैक्सीनेशन जरूर करवाएं। और जिन भी भाइयों ने या जिन बहनों ने वैक्सीनेशन अभी तक नहीं करवाया है, उनसे मैं सभी से गुजारिश करती हूँ कि सब लोग आएं वैक्सीनेशन सेंटर पर और वैक्सीन करवाएं। ज्योति की इस पहल की सीलमपुर के SDM शरद कुमार ने सराहना की है। शरद कुमार ने बताया कि ज्योति की यह पहल काफी सराहनीय है। कोरोना की इस महामारी में सभी बहनों का यह प्रयास होना चाहिए कि वह खुद भी कोरोना का टीका लगाए और अपने भाई को भी टीका लगवाने के लिए प्रेरित करे, ताकि कोरोना की इस महामारी में सभी लोग सुरक्षित रहे और उनका परिवार भी सुरक्षित रहे। राखी का त्यौहार भाई बहन के बीच का सबसे पावन त्यौहार है, जिसको पूरा देश बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाता है। रक्षाबंधन बंधन है वचनों का, भाई और बहन के बीच एक दूसरे की रक्षा करने का। लेकिन पिछले एक साल से भी ज़्यादा समय से जिस तरह से महामारी ने हमारे जीवन में स्थान पा लिया है, उसके साथ साथ हमें ज़रूरत पड़ गई उससे भी सुरक्षा करने की। आज हमारे पास कुछ भाई बहन ऐसे आए जिनसे बातचीत करने पर मुझे पता चला कि इनमें से किसी ने, कुछ लोगों ने वैक्सीन नहीं लिया था, और इनकी इच्छा ये थी कि पहले वैक्सीन लिया जाए और उसके बाद ही राखी बांधा जाए। तो ये बहुत ही हमें आज के इस मौके पे बहुत अच्छा लगा कि इसमें एक हमारे साथ सिस्टर हैं, उन्होंने खुद लिया हुआ था वैक्सीन, पहले भाई ने वैक्सीन लिया और उसके बाद उसको राखी बांधा गया। उसी तरह दूसरी तरफ एक और भाई बहन है जिन्होंने खुद वैक्सीन नहीं लिया था, लेकिन दोनों ने अपनी मर्जी से आज वैक्सीन भी लिया और राखी का त्यौहार भी मनाया। ये सुरक्षा है आपकी अपनी, वैक्सीन से सुरक्षा है आपकी, आपके समाज की, अपने परिवार की और अपने देश की। एक बार फिर से राखी के इस त्यौहार पर आप सबों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।